गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड का सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर क्या है लिविंग वर्ल्ड का? रेस्पिरेशन। हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और रेस्पिरेशन को इस तरह से पढ़ेंगे जैसे कोई भी व्यक्ति इसके पहले ना पढ़ा हो उसे भी मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊँगा। इसलिए आप लोग टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को बस ध्यान से सुनना है, लेक्चर को स्किप नहीं करना है, ठीक है ना? नहीं फास्ट फॉरवर्ड करना है। यदि ध्यान से सुनने चाहते हैं तो, यदि कोई सीरियस स्टूडेंट है तो हमारे एक एक लाइन में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, ठीक है? हम जितने सारे क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं सारे क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट में पिरो देना चाहते हैं ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सकें, और इंटरकनेक्टेड है चीज़ें, ठीक है? तो जब मैं पढ़ाऊंगा, देखिए हमारे पढ़ाने का स्टाइल क्या है, मैं जो पढ़ाऊंगा वो चीज़ आपको सब कुछ आपको मिल जाएंगे, और कैसे और कब मिलेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। इसी के लिए मैं जाना भी जाता हूँ, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना? हम लोग रेस्पिरेशन, एक होता है टर्म ब्रीदिंग, एक होता है टर्म रेस्पिरेशन। अभी मैं ब्रीदिंग की बात नहीं करूंगा, मैं आपको रेस्पिरेशन समझाना चाहता हूं, ठीक है? रेस्पिरेशन को जब समझ लेंगे तब चीज़ों को हम लोग कंपैरेटिव अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन। देखिए जो भी हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ हम खाते हैं, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, रोटी खाया, चावल लिया, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है अल्टीमेट रूप से वह डाइजेस्ट होता है, ठीक है? डाइजेस्ट होकर के उसका ग्लूकोज बनता है, फाइनल क्या बनता है उसका? ग्लूकोज। अब वहाँ ग्लूकोज का जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए हमें? ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना? तो जैसे मैं समझा रहा हूँ, देखिए जब भी सबसे पहले यदि हम कुछ खाते हैं, जैसे मान लो कि कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट के मैं बारे में पढ़ा रहा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है इसका सोर्स जो है क्या हम लोग खाते हैं, जैसे मान लिया हमने राइस लिया और व्हीट लिया, ठीक है ना? तो इसका जब डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है तो सिंपलर जो फॉर्म होता है वह होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज, जिसका सूत्र है C6H12O6। यह भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है C6H12O6। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, आपसे पूछ सकता है ग्लूकोज क्या है। तो ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का क्या है? सिंपलर फॉर्म है, ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है ना? और कार्बोहाइड्रेट जो है इसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं इस चीज़ों को, और एनर्जी का सोर्स है राइस और व्हीट, इसको हम खाते हैं। तो जब ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, डाइजेशन जब होता है, डाइजेशन जब होता है हमारा, तो हमारा ये ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होता है तो यह इसका अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एनर्जी के रूप में इसको हम लोग चाहते हैं कि यह किस तरह से ये ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसका ऑक्सीडेशन करवाना पड़ता है। ऑक्सीडेशन क्या करवाना पड़ता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, नीड O2, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो उसके ऑक्सीडेशन से जो है हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी, ठीक है? और एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, अभी आगे और भी रिएक्शन को मैं कंप्लीट लिखूँ, बस अब समझाना चाह रहा हूँ कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। और यह एनर्जी हमें ATP के फॉर्म में मिलती है। तो अब हमें यह जानना है कि ये ATP का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, ठीक है? तो चलिए हम लोग समझते हैं कि किस तरह से फॉर्मेशन होता है, किस तरह से कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हमने सांस लिया, इस तरह से सांस लिया, ठीक है, अपने अंदर सांस लिया, ठीक। जब सांस लेने के बाद क्या होता है कि इस तरह से मैं डायग्राम बना रहा हूँ छोटा सा, ठीक है, ये देखिए, यह जो हमने जब सांस लिया तो यह है हमारा लंग्स, ठीक, और इस तरह से वेंस और आर्टेरी इस तरह से हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इस तरह से आप डायग्राम को समझने का प्रयास करें। और यहाँ पर जो सेल्स होते हैं, इस तरह के सेल्स होते हैं ये सब, इसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एल्वियोलाई। चीज़ों को पहले समझना है तभी आपको मेरा लेक्चर
समझ में आएगा, नहीं तो पहले ही सब कुछ मैं पढ़ाने लग जाऊँ तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। कि मैं सबको इसके बारे में आपको परिचित करा देना चाहता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। यह लंग्स में जो होता है एल्वियोलाई पाया जाता है, और यहीं पे एल्वियोलाई, जब ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर आता है, किस तरह से आता है, एटमोसफेयर से जब ऑक्सीजन आता है तो एल्वियोलाई जो होता है, जो सेल होता है एल्वियोलाई, यहाँ पर क्या होता है हमारा जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखिए इस तरह से देखिए यह क्या है एल्वियोलाई है, ठीक है, मान लेते हैं एल्वियोलाई है और इसमें ब्लड भरा हुआ है, इस तरह से यह क्या है ब्लड भरा हुआ। तो क्या होता है कि इसमें जो है जिस तरह से इधर से ऑक्सीजन जैसे ही इसके अंदर गया तो फिर क्या होता है कि इधर से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा बाहर निकलेगा। तो एल्वियोलाई जो जगह है एल्वियोलाई, यह जो होता है लिंक्स में गैसियस एक्सचेंज का जगह होता है, यहीं पे क्या होता है हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक। और गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से होता है बाय द डिफ्यूज़न, ठीक है ना, डिफ्यूज़न प्रोसेस से क्या होता है हमारा यहाँ पर एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन। तो ये एक प्रोसेस का नाम पूछ सकता है किस प्रोसेस से गैसेस एक्सचेंज होता है। और इसमें से देखिए सबसे पहला अभी इसमें से क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे इसमें से पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है इसका। और इसमें पूछ सकता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये आपसे पूछ सकता है, इसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी बनेगा एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ये आपको समझ लिया। फिर आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे यह बन सकता है कि यह जो लंग्स होता है तो लंग्स में ये पूछ सकता है कि एल्वियोलाई कहाँ पाया जा सकता है। यदि आप जानते हैं कि एल्वियोलाई लंग्स में पाया जाता है तो ठीक है, यह क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल्वियोलाई का फंक्शन क्या होता है, तो एल्वियोलाई का फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, किस प्रकार से गैसेस एक्सचेंज, एल्वियोलाई में क्या होता है ब्लड फिल्ड होता है आरबीसी होती है, ठीक ना, इसमें क्या होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं फिल्ड, और रेड ब्लड सेल्स हम जानते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होता है, यही हेल्प करता है। तो यहाँ पर जब गैसियस एक्सचेंज होता है तो बाहर से ऑक्सीजन आता है और जो अनवांटेड जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के अंदर बनता है वह क्या होता है हमारे बाहर चला जाता है, वही नॉस्ट्रिल से आउट हो जाता है, इस तरह से एक्सचेंज होता है। तो आपने इस प्रोसेस को समझा। अब यह ऑक्सीजन जब अंदर आता है तो यह ऑक्सीजन कहाँ जाता है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। देखिए यह ऑक्सीजन कहाँ जाता है कि यह देखिए यह हमारा है सेल, यह हमारा सेल, ठीक है ना, और यह हमारा क्या है न्यूक्लियस। तो जब इसके अंदर मान लीजिए कि इसके अंदर या हमारे सेल के अंदर यह ऑक्सीजन की एंट्री हुई, ऑक्सीजन अंदर घुसा इसके अंदर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आता है तो क्या होता है कि यह जो है हमारा, इस तरह से मैं आपको स्ट्रक्चर बना देता हूँ, समझेंगे इस तरह से, यह देखिए यह है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है यह हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, तो ठीक है। देखिए ऑक्सीजन जब आता है इसके अंदर ऑक्सीजन जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, और यहीं पे क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन वाले जो भाग जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं, ये बीच वाला जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। और यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और एटीपी जो यहाँ बनते हैं, ठीक है ना, यह माइटोकॉन्ड्रिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यही ऑक्सीजन आता है इसके अंदर, ठीक है ना, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। अब जो मतलब जो हमारा ये ग्लूकोज जो है, यही ग्लूकोज जो है जो सेल में जो ग्लूकोज है इसी ग्लूकोज को क्या करता है ये ऑक्सीडाई करता है, ये ऑक्सीजन ये बाहर से ऑक्सीजन आता है जो ये हमारे जो ग्लूकोज है हमारे सेल के अंदर जो ग्लूकोज है, ठीक ना, ये इसी को ऑक्सीडाइज करने में यह माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है जिससे हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो इसी से हम लोग हंसते हैं बोलते हैं चलते हैं फिरते हैं सारी कुछ सब कुछ टॉक करते हैं, ठीक है। तो यह एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमने समझा कि किस तरह से रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन और डाइजेशन में किस प्रकार का संबंध है, एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होता है, एनर्जी कैसे बनता है, हम लोग क्यों बातचीत करते हैं क्यों दौड़ते भागते, एनर्जी कहाँ से आती है, तो एनर्जी का क्या सोर्स है, पहले था डाइजेशन,
जब हम चीज़ों को खाते हैं, जब डाइजेस्ट करते हैं, जब चीज़ हमारे शरीर में जाती है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लूकोज का जब फॉर्मेशन होता है तो ग्लूकोज के फॉर्मेशन से हमें एनर्जी नहीं आती है, ठीक है ना। ग्लूकोज के फॉर्मेशन होने के बाद जो डाइजेशन हुआ और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, अब चाहिए ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कैसा होगा, उसके लिए रेस्पिरेशन करना होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा। तो रेस्पिरेशन के लिए आपको ऑक्सीजन बाहर से लेना होगा। जब वो ऑक्सीजन अंदर आएगा और वहाँ जो आपका जो ग्लूकोज का बना है वह दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के वहाँ पे सेलुलर ऑक्सीडेशन होगा, और वहाँ पे जब सेलुलर ऑक्सीडेशन होगा तब क्या होगा, वहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा। यह मैंने आपको शॉर्टकट में इसका एक चित्र समझाया है, ठीक है। यदि आप इस चित्र को दिमाग में रखते हैं तब हम जो अब आपको आगे पढ़ाएंगे वो थोड़ा सा डिटेल होगा, ठीक है, तब उस चीज़ों को वहाँ से आसानी से आप क्लेरिफाइड कर पाएंगे, ठीक है ना। तीन चीज़ों को आपने समझ लिया कि मैंने क्या समझाया, कि मतलब कि एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। गैसेस एक्सचेंज होने से क्या होता है कि यही ऑक्सीजन जो होता है फिर हमारा जो है ये जो सेल है वो सेल के अंदर जाता है, ठीक है। और जो हमारे जो डाइजेशन से जो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज ये किसका होता है, यही ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए तो ये ऑक्सीजन आता है। और यह जो एक्शन जो होता है, दोनों का मिला जुला एक्शन जो होता है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है, वह कौन सा वह प्लेस है, वह कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है ना, ऊर्जा गृह कहा जाता है। और यह ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है कि यहीं पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी क्या है, यही एनर्जी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे किस तरह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है और कैसे होता है। अब हम जो क्लास में, अब आगे का क्लास में जो पढ़ेंगे तो रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, फिर हम लोग पढ़ेंगे फर्मेंटेशन, पढ़ेंगे ब्रीदिंग क्या होते हैं, एनिमल किस तरह से रेस्पिरेशन करता है, प्लांट किस तरह से रेस्पिरेशन करता है, इन सब बार के बाद चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ से एक क्वेश्चन अब क्या बन सकता है, एक और क्वेश्चन मतलब मेरे माइंड में आया है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले कि देखिए कि जो चेन स्मोकर होते हैं, ठीक है, जो बार बार सिगरेट पीते हैं, बहुत सिगरेट पीते हैं, तो क्या होता है कि उनका एल्वियोलाई जो होता है एल्वियोलाई, वह सेल्स उनका क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। जब एल्वियोलाई उनका जब सेल्स यह ख़राब हो जाएगा तो देखिए वो मरते क्यों हैं, मर क्यों जाते हैं, चेन स्मोकर जो होते हैं वो मरते क्यों हैं, क्यों उनकी मौत हो जाती है। तो सबसे पहला कारण क्या है कि इनका एल्वियोलाई डैमेज हो गया। जब एल्वियोलाई डैमेज हो गया तो एल्वियोलाई के डैमेज होने से क्या होगा कि यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज क्या होगा, कम होगा। तो गैसियस एक्सचेंज जब कम होगा तो इसके अंदर जो होगा ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर के अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, हमें नीड होगी, हम वर्क करेंगे ज़्यादा, काम करेंगे ज़्यादा, पर क्या होगा, एल्वियोलाई तो हमारे अंदर है नहीं, ये डैमेज हो चुका है, और ऑक्सीजन यही तो मतलब इंटेक करता है, यहीं पर तो डिफ्यूजन होता है, तो जब यह सेल ही नहीं है तो डिफ्यूजन प्रोसेस बंद हो जाएगा, जब डिफ्यूजन प्रोसेस बंद हो जाएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगा, जब ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगा तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना बंद हो जाएगा, और धीरे 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 क्या होगा, आदमी का जो सेल क्या होगा, डिसइंटीग्रेट करने लगेगा और आदमी की मौत हो जाएगी। यही कारण है, ऐसे ही आदमी की मौत होती है जो चेन स्मोकर होते हैं। मैंने आपको पूरा डिटेल से समझाया कैसे होता है, समझ में आई बात को, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मतलब क्या होता है, ठीक है ना, एक चेन स्मोकर जो होते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, उनकी मौत होने का क्या कारण। तो वहाँ पे आपका कारण, उत्तर सही जवाब क्या होगा कि एल्वियोलाई, जो लंग्स में एल्वियोलाई सेल्स पाए जाते हैं वह डैमेज हो जाते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, डैमेज्ड होने लगते हैं। अभी मान लीजिए इनकी संख्या करोड़ों में, जिनके डैमेज हो जाएंगे थोड़ी घट जाएगी, ठीक है, लाखों घट जाएगी, फिर ज़्यादा करेंगे सिगरेट स्मोकिंग करेंगे, धीरे 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 क्या होगा, वो कम होता जाएगा। जब धीरे धीरे कम होता जाएगा तो ऑक्सीजन का क्या होगा, एक्सचेंज भी कम होने लगेगा। जब ऑक्सीजन का कम होने लगेगा, पर हमारा शरीर तो ऑक्सीजन का डिमांड मांगेगा, कहेगा भैया मुझे ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए, कि जो खाए हो इतना कार्बोहाइड्रेट खाए हो उसको तो ऑक्सीडाइज करना है, उसके लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, पर यहाँ तो आपने ऑक्सीजन का सप्लाई ही बंद कर दिया, तो क्या होगा कि आपके सेल डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, जब सेल डिसइंटीग्रेट करेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी और आप मर जाएंगे। क्लियर से समझ में आए बातों को। अब हम इन चीज़ों को बहुत ही विस्तार तरीके से समझाएंगे चीज़ों को, ठीक है। वेलकम बैक प्यारे बच्चों। अब तक जो हमने 20 वर्षों में जो अनुभव किया है, 20 वर्षों में जितने जो क्वेश्चंस जो आए हैं टीचिंग एग्जाम्स में, उन सबों को मैंने जो देखा है, वो कहां कहां से उन्होंने क्वेश्चन को अब तक पूछा है, तो उन लेवलों को सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ से क्वेश्चन इस तरह के बने हैं, और उन्हीं को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। देखिए, यह आगे भी बहुत पढ़ाई होती है,
ये MSc और रिसर्च की भी चीज़ें हैं, तो मैं आपको वो चीज़ आपको पढ़ा नहीं सकता, ठीक है ना, और ना ही आपको वो आएंगे। तो आपको क्या आए हैं क्वेश्चंस पेपर में और थोड़े से क्या स्टैंडर्ड बन सकते हैं क्वेश्चंस अभी के समय के लिए, तो उनको मैंने गैदर किया है, ठीक है। तो ये आपके समझ लीजिए 2020 के जितने विगत 20 वर्षों के क्वेश्चंस है वो मैं आपको सामने बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनेंगे, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले तो समझा दिया था सारी राम कहानी, लेक्चर बता दिया था, ठीक है, ट्रेलर बता दिया था, अब पिक्चर बाकी है। देखिए इधर रेस्पिरेशन, देखिए रेस्पिरेशन को दो भागों में बांटा गया, एरोबिक और नॉन एरोबिक, ठीक है, और इसमें हम फर्मेंटेशन की भी बात करेंगे, ठीक है। अभी धीरे धीरे सब चीज़ों को समझेंगे, अभी सिर्फ समझना है कि व्हाट इज़ एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि देखिए इसमें क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, नंबर वन नीड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है भाई, ठीक है ना। और यह एरोबिक रेस्पिरेशन होता कहाँ है, ऑल यू कैरियोट्स में। मैंने आपको जब सेल पढ़ाया था इसके पहले वाले में, तो आपको यू कैरियोट्स और प्रो कैरियोट्स में काफ़ी अच्छे से अंतर समझाया था, ठीक है। तो जितने भी यू कैरियोट्स हैं उसमें जो है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और यू कैरियोट्स में ही टाइप्स है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसलिए मैंने लिख दिया है, आप लोग रखेंगे कि जितने भी टाइप के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कौन सब आते हैं इनमें, मैन, डॉग, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ईटीसी, ये सब आते हैं। तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन किन में होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, यहाँ मैकेनिज्म से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि जो मैंने कार्बोहाइड्रेट लिया, ठीक है, अब जो ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होगा, अब होगा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, कैसे होता है मैकेनिज्म, मैं आपको यहाँ डिटेल से समझाता हूँ। देखिए ग्लूकोज जो है इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, पहला क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा, इसका फॉर्मूला बताओ भैया ग्लूकोज का क्या होता है। तो ग्लूकोज का जो होता है सबसे पहले होता है ग्लाइकोलिसिस, याद रखिएगा ग्लूकोज का सबसे पहला चरण जो होता है वो होता है ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस का होता है साइटोप्लाज्म में। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि साइटोप्लाज्म क्या है। देखिए ये है, ठीक ना, ये न्यूक्लियस है और ये है हमारा, ये अंदर वाले को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या बोलते हैं अंदर वाले को, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस वाले को, और इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोसोल भी कहते हैं, ठीक ना। तो साइटोप्लाज्म, तो यही साइटोप्लाज्म में जो होता है हमारा सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होता है। जब ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में तो यहाँ पे नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, यहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने लिखा नीड ऑफ ऑक्सीजन, मैंने इसके लिए नहीं लिखा था, अभी आगे बताऊँगा कहाँ लिखा है मैंने। ये ग्लाइकोलिसिस में जो होता है, याद रखना, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं होती है, ठीक है, नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, कितने, टू एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज फॉर्म। तो ग्लूकोज के ग्लाइकोलिसिस से जो कि साइटोप्लाज्म में होता है नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, वहाँ पर कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, दो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ये आपको समझना है। अब हम चलेंगे कि अब ग्लाइकोलिसिस के बाद जो ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो वह बन जाता है, चेंज हो जाता है पाइरुवेट में, पाइरुविक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक ना। तो मैंने इसे लिखा है पाइरुवेट में, ठीक है। अब यह पाइरुवेट में जब कन्वर्ट होता है, अब यही पाइरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, कहाँ जाएगा, यह हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो सेल है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब जाता है तो यहीं पे सबसे ज़्यादा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसीलिए मैंने लिखा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। पेपर में पूछा जाता है कि नीड ऑफ ऑक्सीजन, यस नीड ऑफ ऑक्सीजन, और देखिए यही माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत है, नीड ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे किस तरह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे दो प्रकार के चीज़ों को आप ध्यान से देखें, पहला मैंने लिखा है क्रेब साइकिल, ठीक है, उसका दूसरा नाम साइक्लिक एसिड साइकिल भी होता है, और फिर उसके नीचे लिखा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो क्रेब साइकिल जो कि मैट्रिक्स में होता है, ठीक ना, उसका जो उसके से जो ऑक्सीडेशन से जो होता है दो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, दो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, 34 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब ये टोटल को मिला दिया जाए, ठीक है, टोटल मिला दिया, देखिए 2 ATP, 34 ATP और 2 ATP, कितना हो गया टोटल 38 ATP फॉर्म। तो क्वेश्चन पेपर में आता है ना, आप लोगों ने देखा ही होगा, पूछता है कि बताओ कि एक मोल ग्लूकोज के विखंडन से, एक मोल ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कितने ATP बनते हैं,
बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, उसका सही जवाब है 38 ATP, 38 ATP। समझ में आया? हमारे NCERT बुक्स में है ना 38 ATP को ही मेंशन किया गया है। मैं इसलिए आपको NCERT का यहाँ पर आपको सहारा लिया, इसके कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कारण क्या है, मैं आपको क्या समझाऊँ, कहाँ समझाऊँ, यहाँ समझाता हूँ। यहाँ बच्चे देख पा रहे हैं, दिख रहा है बच्चों को? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, यदि मान लीजिए पूछ दिया आपसे कि 1 मोल ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कितने ATP बनेंगे। मान लीजिए बहुत सारे ऑप्शन है, 1, 2, 3 और 4, ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में यदि आपको 38 ATP कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाए, 38 ATP, ठीक है ना, इस तरह से, या आपको तो आपको 38 ATP टिक कर देना। मान लीजिए अलग अलग कुछ लिखा रहा है तो 38 ATP। यदि आपको यह ऑप्शन ना दे करके यह ऑप्शन आपको दे दे पेपर में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कहीं भी 38 ATP नहीं, मान लीजिए कि आपको दे दिया यहाँ पे 35 ATP, ठीक, यहाँ पे दे दिया 36 ATP, 60 ATP, 40 ATP, तब आप क्या करेंगे, इस तरह के ऑप्शन आएगा, नन नहीं दिया हुआ, इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, तब आप किस में टिक करेंगे, तब देखिए आप ढूंढ रहे हैं 38 नहीं मिला, तो हम लोग 36 ATP में टिक करेंगे। क्यों करेंगे कि 36 ATP जो है, जो फॉरेन टेक्स्ट है, विदेशी बुक है ना, वो मेंशन करता है कि 36 ATP का फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग वहाँ से मतलब उसका रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। जब यदि क्वेश्चन यदि नहीं दिया 36 ATP दे दे, तो हम 36 पे मारेंगे, ऐसा नहीं कि किसी गलत में किसी को छोड़ करके आ जाएंगे, यहाँ दिया हुआ है तो 36 ATP हम लोग मारेंगे, ठीक है, इसको टिक। अब तीसरा क्या हो सकता है आपके सामने, दुविधा यह हो सकती है कि आपके सामने ऑप्शन इस तरह से भी आ सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, पहले में आपको देगा 38 ATP, दूसरे में दे देगा 36 ATP, और तीसरे में आपसे दे देगा कि 36-38 ATP, और चौथे में दे दिया आपको 40 ATP। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे किस में आपको टिक लगाना है, यहाँ ध्यान रखना है, 38 ATP इसमें टिक देख करके नहीं मारना होगा, तब आपको क्या करना होगा, इसमें मारना होगा, 36 और 38 दे दिया ना, इसको आप लोग टिक करेंगे। क्लियर समझ में आया? तो देखिए इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चंस का फॉर्मेट दिया है और समझाने का प्रयास किया है। ये बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, बहुत लड़के कंफ्यूज करते हैं, बाद में बवाल करते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे आ गया था, वैसे आ गया था, ऐसे आ गया था, मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। क्योंकि अब तक जो भी जो सेटर जो होगा वो यही आंसर को सेट करेगा और इसी आंसर को मान्यता दी गई है, ठीक है ना। क्लियर से मैंने बता दिया तीनों का क्या मतलब इस तरह से। तो इस चीज़ों को आप जब समझ गए, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है अच्छे तरीके से ढंग से समझ गए, तो आपको समझ में आ गया। देखिए मैंने आपको यहाँ पे जो बताया है कि क्रैब साइकिल क्या होता है, तो क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया है इस तरह से, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ इसके अंदर जो होता है ना, मतलब मैट्रिक्स, इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है, इसी के अंदर जो होता है हमारा क्रैब साइकिल होता है, ठीक है ना। क्रैब साइंटिस्ट थे, क्रैब साइंटिस्ट थे, अपने साइंटिस्ट ने ही अपने नाम पे इस साइकिल का नाम रख दिया। क्रैब साइकिल का दूसरा नाम साइट्रिक एसिड साइकिल भी है। और यहाँ कितना ATP का फॉर्मेशन होता है, 2 ATP का, देखिए 2 ATP, और पहले कहाँ बना था, यहाँ ग्लाइकोलिसिस से 2 ATP। अब जो होता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से सबसे ज़्यादा ATP का फॉर्मेशन होता है, वह 34 ATP। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है कि यह जो हमारे इनर मेम्ब्रेन होते हैं ना, इनर मेम्ब्रेन यहीं पे हम इनर मेम्ब्रेन पे पढ़ते हैं F1 पार्टिकल, ठीक है ना, और यह F0 पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल होते हैं, F1 या F0 दोनों को एक ही नाम से कहा जाता है। इस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है, याद करिएगा, सेल वाले टॉपिक में जाकर देखिएगा, F1 के बारे में हमने चर्चा की, उसको ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं। तो वहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, और यहाँ पर होता है 34 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो सबों को मिला करके कितने हो गए, 2 ATP, 2 ATP 4, और 4 34 कितने हो गए टोटल, 38 ATP इज फॉर्म। क्लियर से समझ में आ गया? वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब हमने आपको एरोबिक बताया, अब हम आपको नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन का क्लियर कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि क्या होता है नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन। हमने नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन को दो भागों में बांट दिया है, पहला लैक ऑफ ऑक्सीजन, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना है, लैक ऑफ ऑक्सीजन और नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आपको पहले बताया था कि नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, इसीलिए हमने इसको दो भागों में क्यों बांटा, इस दो भाग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है लैक ऑफ, कमी में, ऑक्सीजन की कमी में। तो ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो देखिए क्या होता है कि ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है हमारे, यह जो होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन यह मसल सेल्स में होता है। ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो यह पाइरूवेट में बनता है और अल्टीमेटली लैक्टिक एसिड में बनता है। जो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से क्या होता है हमारे बॉडी पार्ट में क्रैम्प्स आते हैं। देखते ही होगा, सुने हैं, जो बहुत एक्सरसाइज करता है, जो खिलाड़ी है बहुत दूर भाग करता है, ठीक है, उसके देखिएगा पैर में ऐंठन आ जाती है, ठीक है ना, इस तरह से एकदम पैर क्रैम्प कर जाता है, बहुत तेज से दर्द होता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, ज़्यादा देर के लिए नहीं होता है, 6 से 7 सेकंड हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, हो भी सकता है यदि उसको बीमारी हो तो, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तब उसको क्या करते हैं, उस जगह पर फिर जल्दी से हम लोग रब करते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाते हैं रब करने से, ठीक है, और जैसे ऑक्सीजन सप्लाई होता है क्या होता है, दर्द गायब हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि क्रैम्प्स होने के क्या कारण है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ क्रैम्प्स, क्रैम्प्स क्यों हो जाता है। तो क्या होता है क्रैम्प्स, लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से। यहीं से क्वेश्चन आता है, ज़बरदस्त क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया पेपर में, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, दे देगा इथानोइक एसिड, मतलब फिर दे देगा प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक, इन गलत गलत बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, उसका सही जवाब क्या है आपका, ये लैक्टिक एसिड। इसको याद रखेंगे, लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से। यह किसमें होता है, मसल्स में, किसमें होता है, मसल्स, किसमें, हमारे ही मसल्स में होता है, ठीक है ना, एनिमल्स के ही मसल्स में इसका होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में तो क्या होता है हमारा, लैक्टिक एसिड में फॉर्मेशन होता है, जिससे आते हैं क्रैम्प्स इन बॉडी पार्ट्स, मेनली लेग्स एंड हिप्स, ठीक है, इन जगहों पे मतलब यह क्रैम्प्स, ज़बरदस्त क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। तो नो नीड ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल क्या है जिसके कारण से नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, पहला तो बैक्टीरिया, दूसरा ईस्ट, ईटीसी डाल दिया और भी कुछ हो सकता है, बैक्टीरिया ईस्ट से ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है, बैक्टीरिया ईस्ट को समझते। अब देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म क्या है, इस तरह से यहाँ पर हम लोग इसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो मैकेनिज्म क्या है कि यहाँ भी देखिए कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो कि इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, यह ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलिसिस होता है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस में जब होता है तो नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, बताइए, इसके पहले भी मैंने पढ़ाया था, इसके ठीक पहले एरोबिक रेस्पिरेशन में, वहाँ भी नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, यानी कि कहने का मतलब कि ग्लाइकोलिसिस में नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, या तो मतलब आपका नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एरोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वहाँ 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। देखिए वहाँ भी हुआ था और यहाँ भी 2 ATP का फॉर्मेशन होता है और इसका कन्वर्सन होता है पायरूवेट में, वहाँ भी पायरूवेट हुआ था, यहाँ भी पायरूवेट हुआ है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, क्यों जाएगा भाई माइटोकॉन्ड्रिया, खुद सोच के बात है, ऑक्सीजन है ही नहीं तो क्यों जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को तो चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि वो तो सेलुलर ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में जाने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि फर्मेंटेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब यहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो 3 चीज़ बनती है, पहला तो इथाइल अल्कोहल, क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा एनर्जी, ठीक है, तो ये चीज़ फॉर्मेशन करता है। और यहीं पे हम इस चीज़ को बताऊँ, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन आपने पढ़ा ही होगा कि फर्मेंटेशन क्या होता है, कि फर्मेंटेशन से बहुत सारी चीज़ें बने, शराब बनाई जाती है ब्रू इंडस्ट्री में, बहुत सारी चीज़ें, ब्रेड बनाए जाते हैं, क्यों होता है, क्या होता है, देखिए ब्रेड का जैसे मैं कॉन्सेप्ट दूँ, ब्रेड जो होता है बन जिसको खाते हैं फूल जाती है, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि देखिए फूलने का क्या रीज़न है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बन क्यों फूल जाता है, फर्मेंटेशन में क्या ऐसा होता है कि बन फूल जाती है, ठीक है, तो बन फूलने का रीज़न क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, जिससे क्या होता है वो जो ब्रेड होता है पफ़ी हो जाता है, ठीक है, पफ़ी थोड़ा सा क्या होता है उसमें, ये देखिएगा उसमें तो तोड़ने पे उसमें एयर स्पेस आ जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण से स्पॉन्जी नेचर हो जाता है, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए बहुत लोग फर्मेंटेशन से भी क्या करते हैं, इसको शराब बनाते हैं, ठीक है, चावल ले लिया, चावल में पानी डाल दिया, 3-4 दिन तक खुला छोड़ दिया, ठीक है ना, सर रहा है, सरने के बाद इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, इसको पीकर मस्त हो रहा है आदमी, शराब जहाँ बंद है कोई बात नहीं, जिसको शराब आता है ऐसे ही शराब बना करके पी रहा है जो फर्मेंटेशन पर रखा है, ठीक है, देखिए वहाँ से इथाइल अल्कोहल का
फॉर्मेशन होता है। कौन से फॉर्म? इथाइल अल्कोहल, नॉट मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल जहरीला होता है, ठीक है ना। मिथाइल अल्कोहल पीलेगा तो मर जाएगा आदमी। तो इथाइल अल्कोहल C2H5OH का फॉर्मेशन होता है। तो फर्मेंटेशन, मैं आपको फर्मेंटेशन फिर कहीं आगे में फिर बताऊंगा फर्मेंटेशन, बस लेकिन फर्मेंटेशन से इतना ही क्वेश्चन आपको आएगा। देखिए फर्मेंटेशन, यही बात मैं आपको समझाने वाला था कि ये चीज़ को आपको पूछा जाएगा पेपर में। तो क्वेश्चंस आपको देखिए ज़बरदस्त यहाँ से क्या पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कि लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है या बॉडी ये किस पार्ट में होता है? तो ये एनिमल के ही मसल्स पार्ट में होता है, ठीक है, मसल्स में होता है। यहाँ पर क्या होता है? लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से तो क्रैम्प्स बनता है। पूछा जा सकता है कि पैरों में ऐंठन आने का क्या कारण है? उत्तर बताएं, सीधा जवाब है कि लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण से होता है। फिर ये क्वेश्चन यहाँ से फिर आपसे पूछ सकता है कि बताइए नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है? ये देखिए बहुत लड़का क्या करता है ना, बैक्टीरिया ईस्ट में मार दिया टिक, ठीक है, इसको भूल जाता है, मसल्स को फेंका गए, दिमाग में तो उनको रहता है नॉन एरोबिक, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, बस तुरंत मतलब सोचते हैं कि अरे बैक्टीरिया है ईस्ट है, यही तो होगा। अब मसल्स पर ध्यान ही नहीं रहता है उनको, मसल्स भी है मसल्स, ठीक है, मसल्स में भी नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन माना गया है, इसको नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो ये याद रखेंगे कि नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल्स में भी होता है, बैक्टीरिया सेल्स में, ईस्ट में ही होता है, ठीक है। अब इसके आगे इसमें से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए कि नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है? 2 ATP का, और वहाँ 38 ATP का एरोबिक में। तो आप डिफरेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस करने के लिए अब आपसे पूछा जाए तो तुरंत डिफरेंस कर सकते हैं। पूछा जाए अब आपसे कोई पूछे जी कि बताओ एरोबिक और नॉन एरोबिक में डिफरेंस बताओ, बहुत अंतर बता सकते हैं, ढेर सारा अंतर बता दूं, लिख दूं या कर लोगे? लिखना चाहते हो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, देखना यही चीज़ मैं लिखूँगा डिस्टिंग्विश करके, ठीक है, आप लोगों को मजा आएगा, इसको आप लोग नोट कीजिए। वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। देखो अब मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूँ, मैं अब अपने लक्ष्य की ओर पहुँच रहा हूँ धीरे धीरे धीरे। जो मेरा मकसद था वो मेरा मकसद पूरा हो रहा है कि मैं आपको अब धीरे धीरे उन चीज़ों को बता पा रहा हूँ जो मैं बताना चाहता था। मैं सोच रहा था मैं किस तरह से आप लोगों को रिप्रेजेंट करूँ, पर मैं अब समझ पा रहा हूँ कि अब आपको चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं बेहतर तरीके से समझा पा रहा हूँ, अब चीज़ों को अच्छे तरीके से वॉच कर रहे हैं, ठीक है। अब जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग उसको देखते हैं। देखिए अगला जो है, अब जो मैंने आपको बताया कि एरोबिक और नॉन एरोबिक में अंतर क्या होता है, मैंने बताया आप खुद से भी डिस्टिंग्विश कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको थोड़ा रिकॉल करने के लिए मैं खुद आपको लिख रहा हूँ कि देखिए किस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं कि एरोबिक यूटिलाइज ऑक्सीजन, बता था कि इसमें ऑक्सीजन की नीड होती है। नॉन एरोबिक में क्या होता है? टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें जो होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, ठीक है ना। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मैंने लिख दिया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर, इसी का होता है। जब हम लोग जो श्वसन करते हैं, ठीक है ना, तो हमारा एंड प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यही तो नाक से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक ना, एंड प्रोडक्ट यही हुआ, ठीक है, ये वाटर। और यहाँ कितना फॉर्मेशन होता है एटीपी का? 38 ATP का। और यहाँ पे सर, यहाँ पे देख लीजिए इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना, ब्रू इंडस्ट्री का जो मैंने एग्जाम्पल दिया था फर्मेंटेशन वाला में, ठीक ना। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है, और नॉट एंड, और ये याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या अल्कोहल प्लस लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, या अल्कोहल और लैक्टिक एसिटिक एसिड, कन्फ्यूज लड़का, क्या लगाएं टिक, वहीं पे आप मात खा जाइएगा कि क्या होगा इसका आंसर। आपको जानकर भी आपको वापस लौटना पड़ेगा, ध्यान रखना होगा, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में टिक मारेंगे। यदि ऑप्शन लिखा रहे अल्कोहल प्लस लैक्टिक एसिड, नो, और दूसरा में रहेगा अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, हाँ, तो इसमें या तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा या तो लैक्टिक एसिड का। मैंने बताया था कि ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक एसिड का जहाँ क्रैम्प का फॉर्मेशन होता, क्रैम्प बनता है हमारे बॉडी में, और मैंने फर्मेंटेशन ले गए थे वहाँ पे, वहाँ इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और वहाँ पे जो है देखिए क्या कहते हैं, 38 ATP का बन रहा है एरोबिक में, और यहाँ पे कितना बनता है नॉन एरोबिक में? 2 ATP का। और माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है इसमें, इसमें इन्वॉल्व माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अब एक छोटा सा है जो शुरुआत में ही हमको इस चीज़ को पढ़ाना चाहिए था, पर मैंने आपको नहीं बताया, शुरू में ही लोग ब्रीदिंग और
रेस्पिरेशन में अंतर बताते हैं, बच्चा को बिल्कुल समझ में नहीं आता। देखिए मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बच्चों को पढ़ाता हूँ ताकि बच्चे अच्छे से समझ सके, ठीक है ना। तो मैंने बहुत चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि मैं चीज़ों को किस तरह से मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। मैं चाहता तो आपको ये पहले पढ़ा सकता था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, पर मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं आपको बताता हूँ आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि रेस्पिरेशन में क्या सेलुलर होता है, क्या ये होता है, फलाना चलाना ढिमकाना, बिल्कुल समझ में नहीं आता। लेकिन अब आपको समझ में आएगा। किसी ले मैन से पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो कहेगा, कह सकता है मैं रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, या कोई कह देगा ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंस होता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन? तो लेमैन तो यही कहेगा रेस्पिरेशन ब्रीदिंग एक ही चीज़ है, क्या फ़र्क पड़ता है, सांस लेना सांस छोड़ना यही तो है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों। इंग्लिश के बच्चों से पूछो तो उसके लिए ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों का अर्थ उनके लिए क्या हो गया, श्वसन। लेकिन थोड़ा सा अंतर यहाँ पे होता है, ठीक है ना। क्या अंतर होता है देखिए हम लोग समझते हैं। ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, इसमें क्या होता है, सिर्फ सांस के लियो और सांस को छोड़ियो, सांस लियो सांस छोड़ियो, ठीक है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब सांस लिए, ठीक है, सांस नली से गया अंदर, ठीक है, और हमारे लंग्स को टच किया, बस वापस आ गया, कोई वहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है, इस प्रकार से। तो दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस, जबकि रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। हमने बताया कितना ढेर सारा मैकेनिज्म देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या पैन पढ़ा ये सब चीज़। तो रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, यह एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ये सेल के ऊपर ऊपर ही होता है, इसमें सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक ना। और यह होता है इंट्रा सेलुलर, सेल के भीतर होता है, और यह सेल के ऊपर ही होता है ब्रीदिंग, और यह होता है इंट्रा सेलुलर। यह वॉलंटरी एक्शन होता है, और यह इनवॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा पर, अपनी इच्छा पर सांस रोक लिए, ब्रीदिंग कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए सांस रोक ली। बहुत आदमी तो दो दो तीन तीन पाँच पाँच मिनट तक सांस रोक लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो उनकी इच्छा पे, दिस इज अ वॉलंटरी एक्शन, ब्रीदिंग इज अ वॉलंटरी। लेकिन रेस्पिरेशन नहीं, रेस्पिरेशन वॉलंटरी एक्शन नहीं है। रेस्पिरेशन यदि रुक गया थोड़ी देर के लिए भी, ठीक है ना, अंदर में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गए तो चौक कर जाएगा, दांत मर जाएगा, खत्म, खेला खत्म हो जाएगा उसका, ठीक है। तो यह जो होगा इनवॉलंटरी एक्शन, ठीक है, इसको हम लोग रोक नहीं सकते, अब हमारे विल पावर पे नहीं है, दिस इज कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शन। नो एनर्जी फॉर्म, स्वाभाविक बात है कि एक्स्ट्रा सेलुलर ये हो रहा है तो कहाँ से एनर्जी फॉर्म होगा। यहाँ पे एनर्जी फॉर्म होता, हमने पढ़ा 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ देखिए नो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यहाँ पे फूड का ऑक्सीडेशन ही नहीं होता है, स्वाभाविक है। यहाँ पे क्या होता है, फूड का ऑक्सीजन यहीं पे तो हम लोग जो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो उसके बाद जो ग्लूकोज बनता है उसी का ऑक्सीडेशन होता है। देखिए अब चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इसमें होना चाहिए, इसमें क्यों होगा, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ का सिल्क से इंट्रा सेलुलर तो हो ही ना, जब इंट्रा सेलुलर नहीं हो तो कुछ भी नहीं होगा इसका वाला ये सब चीज़। तो देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, यहाँ नो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यहाँ से फूड का ऑक्सीडेशन का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता, ये तो जस्ट ए फिजिकल प्रोसेस। फिर देखिए नो एंजाइम यूज, क्यों एंजाइम यूज होगा, जब कुछ हो ही नहीं रहा तो एंजाइम लेके क्या करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम का यूज होता है। चीज़ों को आप लोग आप बहुत आसान तरीके से समझ पाए, अच्छे से मैं समझा पाने में सक्षम हुआ आप लोगों को, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, इसको आप लोग देखेंगे, फिर हम नई नई चीज़ों को फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब छोटा छोटा टॉपिक है, उसको मैं चाहता हूँ क्लियर कर दूँ, इसमें भी बहुत खतरनाक वाले क्वेश्चंस हैं। एक भी क्वेश्चन यदि आपका छूट गया तो समझिए कि आपका सिलेक्शन लटक सकता है, इसलिए कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, ठीक, इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप स्किप करके वीडियो को वॉच नहीं करेंगे, एकदम ध्यान से वॉच करेंगे, मैं सभी चीज़ों को बता रहा हूँ ध्यानपूर्वक, ठीक। तो चलिए हम लोग अब पढ़ रहे हैं, देखिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट किस प्रकार रेस्पिरेशन। अब एनिमल तो पढ़ लिया था, ठीक ना, उसमें अब हम लोग प्लांट में पढ़ेंगे, ठीक। चलिए हम प्लांट में क्या पढ़ना क्या सिखाना चाह रहे हैं, देखिए तो रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में होता है, यदि आपसे कोई पूछा जाए कि भाई प्लांट में रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो 90% जब बच्चे जवाब देते हैं लीव्स, दूसरा रूट तो कोई बोलता ही नहीं है, रूट स्टेम तो बोलता ही नहीं है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है, यह जो है लीव्स में होता है और रूट्स में भी होता है, और सम पोर्शंस जो होते हैं मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं वहाँ पे भी होता है, ठीक है ना, इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। तो देखिए
कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स लीव्स में, तो लीव्स में किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है आपने पढ़ा होगा, लीफ है, लीफ में एकदम माइन्यूट जो छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा, जो कि किडनी शेप्ड होते हैं, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में कभी होगा तो पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये बहुत माइन्यूट से होते हैं, एकदम छोटे छोटे छेद होते हैं। आपने पत्ती को ज़रा ध्यान से देखना, उसमें एकदम बारीकी बारीकी एकदम पॉइंट डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर, वो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर को यदि हम इलार्ज करके देखें तो वो कुछ नहीं है, वो स्टोमाटा है, जिसको हिंदी में हम लोग रंध्र बोलते हैं। जिस तरह से हम, हमारे लिए ये नासिका है, ये रंध्र, जिससे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। उसी तरह से प्लांट के लिए ये नाक का काम करता है, स्टोमाटा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज होता है। और जो यहाँ प्रोसेस जो काम करता है, उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूज़न। क्लियर से समझ में आ गया, तो एक यहाँ, फिर दोबारा यहाँ पे नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ जो रूट में किस प्रकार से होता है, ये रूट का जो है एपिडर्मल सेल ऑफ रूट होता है, और यहाँ से जो रूट हेयर्स निकलते हैं, यहाँ से जो रूट हेयर्स निकलते हैं, तो रूट हेयर्स जहाँ होते हैं मिट्टी के अंदर जाते हैं। हमने बताया था कि मिट्टी को क्या होता है, भुरभुरा जब किया जाता है, किसान जब भुरभुरा कर देते हैं ना, तो ढीली कर देते हैं, तो मिट्टी के बीच क्या होता है, स्पेस हो जाता है। तो स्पेस में क्या छिप जाता है, कार्बन, सॉरी, क्या छिप जाता है, ऑक्सीजन गैस छिप जाता है। तो ऑक्सीजन गैस छिप जाता है, उसी ऑक्सीजन गैस को कौन लेते हैं, हमारे रूट लेते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी गैसियस एक्सचेंज होता है, वहाँ पर भी रूट ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, यानी इस तरह से लेन देन चलता है वहाँ पर भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो लेन देन जो करने वाले जो होते हैं, वह होते हैं रूट हेयर्स होते हैं। देखिए यहाँ मिट्टी हमने बनाया, मिट्टी के बीच में जो गैप है, ठीक है ना, वहाँ पर देखिए ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ पर क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। तो रूट हेयर्स भी जो है हमारे जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं प्लांट में, ठीक। और यहाँ जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। अब मैं बताऊँ कि यही जो होता है रूट का ओल्डर पोर्शन होता है, जहाँ रूट का ओल्डर पोर्शन, जहाँ पे रूट हेयर प्रेजेंट नहीं होते, नो रूट हेयर्स, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे जहाँ रूट हेयर्स नहीं होते, वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव डेड लेयर सेल्स हो, मतलब उसको चारों तरफ से उसको घेर लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बार्क। क्या बोलते हैं, बार्क। और वो बार्क की जो ओपनिंग होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लेंटिल सेल्स। क्या बोलते हैं उसको, लेंटिल सेल्स। और लेंटिल सेल्स वहाँ से भी क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, और किस प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन से होता है। तो अपने प्लांट के बारे में सीखा कि प्लांट में कहाँ कहाँ से, किन किन जगहों से, मतलब रेस्पिरेशन होता है, हमने लीफ से देखा, रूट से देखा, ठीक है ना, और हमने देखा कि लेंटिल सेल्स से देखा, यहाँ से भी मतलब वो गैसियस एक्सचेंज होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन एक और बनकर के पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आया है कि कोई प्लांट है, प्लांट को क्या होता है कि यदि पानी में, कोई ऐसा प्लांट है जैसे मान लीजिए कोई पौधा है और उसको मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग कर दिया जाए, ठीक है, वाटर लॉगिंग, जब वाटर लॉगिंग हो जाता है ज़्यादा मात्रा में, पानी ज़्यादा जड़ों में समा जाता है, तो प्लांट डाई क्यों कर जाता है, क्वेश्चन है। सोच कर बताइए कि प्लांट डाई क्यों, वहाँ तो कह, अरे भाई वहाँ तो बहुत अच्छी बात है कि प्लांट को बहुत पानी मिल रहा है, मरेगा क्यों, उसको तो बचा रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, प्लांट डाई कर जाता है, एक्सेस लॉगिंग है ना, वाटर की ज़्यादा मात्रा जब होती है तो ऐसा क्या होता है कि प्लांट हमारा डाई कर जाता है। तो देखिए प्लांट डाई होने का रीज़न क्या है, प्लांट क्यों मर जाता है, कि जब पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन वो ठीक से नहीं ले पाता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस नहीं हो पाता है सही से, जिसके कारण से क्या होता है, हमारा प्लांट डाई होने लग जाता है। क्लियर से समझ में आया, क्या हुआ वहाँ पे, डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं सही से हो पाता है, ऑक्सीजन इनटेक नहीं हो पाता, जिस कारण से क्या होता है, प्लांट हमारा डाई हो जाता है। ये रीज़न आपको मिलेगा ऑप्शन में, ध्यान रखेंगे। तो आपको ये चीज़ समझ में आया, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बाद जो है, हम लोग ने प्लांट पढ़ा तो थोड़ा एनिमल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स में भी हम लोग पढ़ेंगे कि जो फ्रॉग होते हैं, तो फ्रॉग के लिए जो रेस्पिरेटरी ऑर्गेन और भी मतलब इंसेक्ट्स वगैरह, उसमें कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गेन होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन अभी आ जाते हैं, ठीक है, तो उसका भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो देखिए रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन, फ्रॉग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताइए क्या होता है। देखिए फ्रॉग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन भी होता है और लंग्स भी होता है, दोनों से मतलब यह जो है फ्रॉग रेस्पिरेशन करता है, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है इसका। स्किन जो होता है जो मॉइस्ट स्किन ही होता है, जब मतलब फ्रॉग का स्किन मॉइस्ट होता है तो स्किन से क्या करता है, वह रेस्पिरेशन करता है, और लंग से भी
करता है, दोनों से करता है। ठीक, तो होता क्या है कि देखिए कि कभी आपने देखा होगा कि फ्रॉग जो होता है, मेढक, एक ऐसा समय आता है गर्मी के दिनों में वो क्या चला जाता है, एकदम हाइबरनेशन में चला जाता है। ठीक है, और जब चला जाता है उसके अंदर तो क्या होता है कि उस समय तो वो कैसे सांस लेगा बताइए, उस समय वो स्किन से ही सांस लेता है, तो वहाँ पे वो हाइबरनेशन के समय स्किन से वो आसानी से सांस लेता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइबरनेशन के समय फ्रॉग किस चीज़ से सांस लेता है, यह भी क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से सुन लिया। ठीक है, स्किन से सांस लेता है, किससे लेता है, वो स्किन से ला। और फिश जो होता है क्या होता है, किससे, गिल से, गलफड़ा जो होता है, ठीक है, उससे सांस लेता है। फिर देखिए इंसेक्ट्स के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पिछले साल जो केवीएस में आया था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आया था कि इंसेक्ट्स में पूछा गया था यह क्वेश्चन, एक था क्वेश्चन इस तरह सा कि लार्जेस्ट जो होता है, जो जो एनिमल का जो होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में किस ग्रुप के जो है एनिमल्स हैं, ठीक है ना, किस, तो यह क्वेश्चन है आर्थ्रोपोडा। ठीक है ना, आर्थ्रोपोडा की संख्या जो है अभी सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, यह इस वर्ग, इस श्रेणी के जो जो भी जंतु होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स ही होते हैं जिनमें 3 pairs legs पाया जाता है, 6 jointed legs होते हैं। आर्थ्रोपोडा का मतलब है आर्थ्रो, पोडा मतलब है, आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा का मतलब होता है पैर, तो जॉइंटेड लेग्स वाले वो कौन होते हैं, इंसेक्ट्स। ठीक है, तो इनकी संख्या जो है पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा इन्हीं की संख्या, अभी आर्थ्रोपोडा की ही संख्या सबसे ज़्यादा, इसमें बहुत सारे आते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिया, ग्रास हुपर, ठीक है, राम जी का घोड़ा, हाउस फ्लाई और कॉकरोच, ठीक है ना, ये सब जो है मतलब हमारे जो है आर्थ्रोपोडा में आते हैं, इसमें 3 pairs। इसमें क्या होता है कि किस तरह से मतलब जो है ये सांस लेते हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि जो जो ग्रास ऊपर को आप ध्यान से देखिए, उसके साइड वाले पोर्शन में क्या होते हैं, छोटे 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 छिद्र होते हैं, उस छिद्र को नाम होता है स्पारेक, लेटरल साइड ऑफ बॉडी, ठीक है ना, और वह जो है खुलता है किसमें, ट्रैकिया में, और ट्रैकिया का सबसे माइन्यूट पार्ट होता है ट्रैकियो, तो ट्रैकिया ट्रैकोस जो होता है यही यह इसके लिए क्या होते हैं, यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होता है इनका, ये मतलब इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन में। तो मैंने आपको बता दिया, आपको याद रखना है स्किन और लंग्स, इसमें याद रखना है आपको गिल्स याद रखना है, और इसमें याद रखना है आपको ट्रैकिया और ट्रैकियोस। ठीक है, ट्रैकिया का मतलब माइन्यूट पोर्शन, ट्रैकिया मोटा होता है, इससे पतला जो होता है ट्रैकियोस होता है। ठीक, तो अब ये समझ गए आप, इसमें से क्वेश्चन आएगा। अब ये देखिए ह्यूमंस, अब हमारी बारी आती है, ह्यूमंस से भी देखिए क्वेश्चंस आते हैं किस तरह से आते हैं। देखिए हम जो सांस लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं, देखिए आप पाइप ही है, आप सांस लीजिए, पाइप को खींचिए तो क्या होगा, पाइप चिपक जाएगा इस तरह से। तो बताइए कि हमारा जो 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 सांस नली है वो चिपकता क्यों नहीं है, क्या कारण है जो नहीं चिपकता है, तो भगवान ने उसका भी अरेंजमेंट कर दिया है। देखिए क्या किया है कि वो जो जो सांस नली है, जो ट्रैकिया जो होता है, ठीक है ना, जिसे विंड पाइप हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कार्टिलेजनस रिंग पाया जाता है। ठीक है, रिंग जैसे छल्ले जैसी संरचना होती है गर्दन की, यहाँ पे वह जो होता है हमारे सांस नली को चौक कटने से, चिपकने से बचाता है। यदि कोई नॉन वेज वाले बच्चे होंगे जो खाते होंगे, मुर्गा खाते होंगे, गर्दन वाली हड्डी खाएंगे, भुरभुरी सी लगेगी खाने में, तो वह क्या है, जैसे जब कार्टिलेजनस रिंग्स होते हैं गर्दन वाली पोर्शन को खाएंगे तो उनको खुद एहसास हो जाएगा कि वह क्या खा रहे हैं, दिस इज अ ट्रैकिया। ठीक है, वो ट्रैकिया को खा रहा है, वहीं पे उनको रिंग जैसी एकदम भुरभुरी हड्डी जैसा उसको चबाएंगे तो टूटेगा वह, तो वह कार्टिलेजनस रिंग्स होता है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया ताकि वो अच्छे से समझ सके कि वही होता है कार्टिलेजन, जो हमारे जो सांस नली को चौक होने से, चिपकने से बचाते हैं। यह हो गया, और यह जो है उसके ऊपर हमने लिखा है लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है ना, ये वॉइस बॉक्स हमारे में लैरिंग्स होता है, और चिड़िया में जो होता है जिससे सांस निकलती जो बोलता है उसको बोलते हैं सिरिंग्स बोलता है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया, आप इसे नोट कर लेंगे, मैं यहाँ नहीं लिख रहा। ठीक है, सिरिंग्स होता है जिससे मतलब क्या होता है चिड़िया बोलती है। तो ये लैरिंग्स हो गया, लैरिंग्स मैंने समझाया, ट्रैकिया समझा दिया। अब नीचे अब आइए, अब देखिए ये दो चीज़ मैंने लिख दिया, ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस। जो विंड पाइप होता है जब हम खाते हैं, खाते समय क्या होता है कि हम लोग क्या होता है ना कि सड़क जाते हैं, हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं खाते खाते से कोई चीज़ खाया और मुँह से कुछ दाने निकल गए, उसको कहते हैं सड़क जाना, ठीक है ना। तो इस तरह से ऐसा जब होता है, ऐसा क्यों होता है पता है, ऐसा क्यों होता है कि जब आप खाना जो चीज़ आप ले रहे हैं तो वह गलती से आपके सांस नली में चली नहीं जाए, ठीक है, क्योंकि वह उसी के मतलब साथ साथ वो नली, खाने वाली नली और सांस नली दोनों कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है ना। वो यदि आप खा रहे हैं और यदि वो नली आपके गर्दन के होते हुए यदि आपकी सांस नली में चली गई तो आपकी मौत हो सकती है,
ठीक है ना। तो उसके लिए भगवान ने अरेंजमेंट कर दिया है। क्या अरेंजमेंट कर दिया है कि देखिए होता क्या है कि जैसे ही ग्लॉटिस होता है, यह ग्लॉटिस है इस तरह से, यह ग्लॉटिस है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी से ग्लॉटिस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से एक ढक्कन नुमा संरचना होती है इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो इस पर जैसे ही फूड पार्टिकल्स इस पर आते हैं, गलती से आगे मान ली ऐसे आए इस पर, ठीक है, आना तो नहीं चाहिए जैसे, लेकिन जैसे ही आए तो क्या होता है, बहुत ही सेंसरी होता है। वह सेंसरी होने के कारण से क्या होता है कि त्वच से इस तरह से सांस लेते हैं और यह क्या होता है कि ये जो पार्टिकल जो होता है उस जगह को छोड़ करके हट जाता है। तो खांसने का वहाँ यही रीज़न होता है कि जैसे ही ग्लॉटिस पे पड़ता है, एपिग्लॉटिस पे पड़ता है, तो खांस करके क्या होता है, फूड पार्टिकल को दूर करते हैं, ठीक है। यही रीज़न होता है वहाँ खांसने का, लोग खांसने लग जाते हैं यदि गलती से मतलब खाना यहाँ चला जाता, लेकिन यदि मतलब गलती से ही अंदर चला गया तो आदमी की मौत हो सकती है। एक छोटा सा तिनका भी, मैगी का एक छोटा सा टुकड़ा भी यदि चला गया गर्दन के अंदर, इसके अंदर, तो बच मर जाएगा आदमी। तो इसके लिए क्या होता है, यहीं पर जो होता है एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस क्या करता है, हमको जो है फूड पाइप के, क्या कहते हैं, विंड पाइप के अंदर जाने से उसको रोकता है फूड पार्टिकल को। तो समझ में आ गया कि यही होता है एपिग्लॉटिस, ढक्कन जैसी संरचना होती है एपिग्लॉटिस, और यह होता है हमारा ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस, तो जैसे ही पार्टिकल ऐसे झटका मारेगा ऐसे करके, तब हम लोग सड़कते हैं। तो यह मैंने आपको क्लियर से समझाया कि क्यों ऐसा होता है, इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने बताया कि यह आए दो चेन वगैरह, इधर एक मेरा लेफ्ट और राइट दो तरह से हमारे जो है इस तरह से लंग्स है, लंग्स, और लंग्स में मैंने बताया कि यह जो जहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है, एल्वियोलाई होता है, यहीं पे सब होता है, उससे बड़ा पोर्शन ब्रोंकियोल्स होता है और उससे बड़ा होता है ब्रोंकस, ब्रोंकस का पार्ट होता है ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकियोल्स से छोटा जो पोर्शन होता है एल्वियोलाई होता है, और लास्टली यहीं पर जो होता है हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है। तो एल्वियोलाई जो होता है, पूछे जाए पेपर में पूछे जाएगा कि मतलब कि ह्यूमंस जो होता है, ह्यूमंस वो कहाँ से, मतलब इसके लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है, दिस इज कॉल्ड लंग्स। यदि लंग्स ऑप्शन में ना रहे, एल्वियोलाई रहे, तो एल्वियोलाई टिक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको क्या है कि एल्वियोलाई है, समझ में आ गया, तो मैंने पहले भी आपको बताया था। अब देखिए इसको और इसको अलग करने वाला एक पार्ट होता है डायफ्राम, ठीक है ना, ये डायफ्राम होता है, जब हम सांस लेते हैं ना इस तरह से, तो डायफ्राम का जो होता है डोम से पेड स्ट्रक्चर होता है। यह जो डोम से पेड स्ट्रक्चर क्या करता है, यह हमारा पेट है ना, आंत पेट जो कहिए, ठीक है, इसको और इसको, यह जो है हमारा लंग्स, इसको अलग करने वाला जो बाउंड्री है वो होता है डायफ्राम। बहुत ही पतली सी संरचना होती है, बहुत ही पतली सी, ठीक है ना। यदि दुर्घटना जब होती है, ज़्यादातर लोग एक्सीडेंट में जो मारे जाते हैं, मर जाते हैं, छोटा सा कॉलिजन होता है जो मर जाते हैं झटका, यही डायफ्राम टूट जाता है। डायफ्राम टूटने से क्या होता है, आदमी की मौत हो जाती है। तो इसीलिए देखते हैं कि आप लोग देखें जैगुआर, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो होती है, उसको जैसे ही मतलब धक्का लगता है तो बैलून फूल जाता है, और बैलून फूल जाता है तो वो क्या होता है कि वो आदमी प्रोटेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर में चोट, और ये जो मेन जो होता है सबसे कोमल हिस्सा होता है डायफ्राम, डायफ्राम ना टूट जाए इसलिए क्या होता है, बैलून फूल जाता है वहाँ का, और डायफ्राम क्या होता है उसको बच जाता है, नहीं तो डायफ्राम टूट जाएगा तो उसी समय आदमी की मौत हो सकती है। तो डायफ्राम बहुत पतली संरचना होती है, डोम से पेट होती है, इस तरह से ऐसी होती है संरचना, जब हम सांस लेते हैं तो फ्लैट हो जाती है, फिर जब छोड़ते हैं तो ऐसे हो जाती है, जब सांस लेते हैं तो फिर इस तरह से ये चलता रहता है, ठीक है ना। यह मैकेनिज्म हम कभी हम आपको चर्चा करेंगे, इस तरह से ये होता है डायफ्राम। अब ये चीज़ समझ में आ गया, तो एक छोटा सा चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक चीज़ है, अब क्लियर से आप चीज़ को दो तीन बार वीडियो को देखेंगे। एक जो छोटा चीज़ है, एक क्वेश्चन आया हुआ था इम्फाइसीमा, ठीक है, मैंने एक जगह कहीं सर्च किया था, एक क्वेश्चन आया हुआ था बहुत साल पहले कि इम्फाइसीमा क्या था, व्हाट इज़ इम्फाइसीमा, कहाँ लिखूँ इम्फाइसीमा, जगह दिख रहा है भाई, इम्फाइसीमा, ये इम्फाइसीमा क्या होता है कि यह एक बीमारी होती है। किसको होती है इम्फाइसीमा बीमारी, कि वैसे लोग होते हैं जो चेन स्मोकर होते हैं, मैंने आपको बताया जो खूब सिगरेट पीते हैं, तो वैसे लोगों के लिए जो इम्फाइसीमा होता है, वैसे लोग जो चेन स्मोकर होते हैं, जो खूब सिगरेट पीते हैं, तो उनका मैंने बताया कि लंग्स क्या होता है, डैमेज होता है, उनके लंग सेल्स क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। लेकिन हमारे शरीर में क्या होता है कि पीने वाले को क्या पता, पीने वाले तो पी रहे हैं खूब मज़े से, ठीक है ना, लेकिन हमारा शरीर जो है हमारी रक्षा करता है, वह क्या करता है ऐसे सिचुएशन में कि जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं, मर रहे हैं, वो तो मर गए, ठीक है, वहाँ तो अब गैसेस एक्सचेंज होगा नहीं, तो जो बचे हुए सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो इनलार्ज हो जाते हैं, तो दिस इज इनलार्ज। तो इनलार्जमेंट ऑफ एल्वियोलाई इज कॉल्ड इम्फाइसीमा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इनलार्जमेंट होता है, इनलार्ज हो जाता है, इनलार्ज हो जाने से क्या होता है, जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो गैसेस एक्सचेंज क्या हो जाएगा,
ज़्यादा होगा और आदमी क्या रहेगा, बचा। इसलिए क्या होता है, बहुत आदमी सिगरेट पी रहे हैं, अरे मुझे कुछ नहीं हो रहा, सिगरेट पीते जा रहे पीते, अरे भाई आपकी धीरे धीरे सेल्स नष्ट हो रही है, लेकिन जो बचे हुए सेल्स हैं उनका साइज उनका वॉल्यूम बढ़ गया है, जिस कारण से क्या हो रहा है कि वहाँ गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण से आप बचे हुए। फिर वो भी कितना दिन तक आपका साथ देगा, एक समय आएगा कि आप मर जाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, सिगरेट स्मोकिंग ना करें, यदि करते हैं इम्फाइसीमा का ख्याल रखें, ठीक है। तो यदि कोई डॉक्टर जब आता है दिखाने के लिए तो पूछता है कि मुझे इम्फाइसीमा हो गया, अरे इम्फाइसीमा हो गया तो अच्छा हो गया इम्फाइसीमा, यदि इम्फाइसीमा नहीं होता तो तुम मर जाते, क्योंकि सेल इनलार्ज हो गया, सेल इनलार्ज हो गया तो बच गया, सेल इनलार्ज हो गया तो क्या हो गया, बच गया। कोई किसी को देखते, एक बीमारी होता है ग्वाइटर, बड़ा सा निकल जाता है गर्दन, इस तरह से गर्दन गर्दन फूल गया, भाई गर्दन फूल गया, आंटी गर्दन फूल गई, तो आपको आंटी डांटेगी, मेरी गर्दन फूल गई, मजाक उड़ा, आंटी गर्दन फूल गई अच्छा हुआ, क्योंकि गर्दन फूल जाने से क्या होता है ना, जो आयोडीन इंटेक जो होता है, जो हम खाते हैं उसमें आयोडीन इंटेक में जो आयोडीन की मात्रा जो होती है बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि हमको बचा लेता है वो चीज़। इसीलिए क्या होता है कि जो घेघा बीमारी होती है, गलगन जिसको बोलते हैं, थायराइड जिसको, ये जो होता है ये गला फूल जाता है, स्वेलिंग क्यों होता है, इसी कारण से आयोडीन इंटेक कम हो जाता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि आदमी को जो है ना जो भी फूड खाएगा तो उसको आयोडीन की मात्रा मिल जाए, ये सब रीज़न होते हैं। तो उसको छोड़ो, ठीक ना, लेकिन इम्फाइसीमा को याद रखना कि इम्फाइसीमा क्या होता है, कि इम्फाइसीमा होता है कि आपको जो है क्या होता है, एल्वियोलाई का साइज बढ़ जाता है, एल्वियोलाई की वॉल्यूम बढ़ जाती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाने से ऑक्सीजन सप्लाई जो होता है वहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस वहाँ होता है और आदमी मतलब जो वहाँ पे ऑक्सीडेशन किल में हेल्पफुल होता है और आदमी की जान बच जाती है। पर आपको ये ख़त्म हो गया ये चैप्टर, अच्छे से मैंने समझाया, आप लोग इस चीज़ को दोबारा तिबारा चार बार पाँच बार छः बार देखें, लोगों को बताएँ, सब्सक्राइब करें। मैंने यह जो चैनल बनाया है आप ही लोगों के लिए साइंस चैनल है, जो साइंस से जो भी लवर हैं साइंस लवर्स आकर के पढ़ सकते हैं, आप सब्सक्राइब करें। देखिए पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, एक गरीब आदमी पढ़ाई नहीं कर सकता है, सभी को एजुकेशन मिले, यही मैंने बीड़ा उठाया है। और मैंने जो प्रण लिया है, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि क्लास पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, मैंने जो एक बार वचन दे दिया तो दे दिया, तो मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए कोई भी आप दोबारा ऐसा मन में संशय ना लाएं, डाउट ना लाएं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है, मैंने जो वादा दे दिया सो वादा, प्राण जाए प्रवचन न जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर इसके बाद हम लोग, आप सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, ये चैनल पर आकर के पढ़ें, लोग समझें। चलिए ऑल द बेस्ट।